अच्छा बेटा, अब हमने इससे पहले परचेज डिस्काउंट के हवाले से समझा कि परचेज डिस्काउंट की नेचर इनकम है और हम उसको क्रेडिट क्यों कर दें। क्लियर हो गया? तो बेटा, अब हम इस लेक्चर में सेल डिस्काउंट के बारे में समझेंगे कि सेल डिस्काउंट की नेचर क्या है। सेल डिस्काउंट की नेचर बेटा, अगर असल में देखा जाए तो सेल डिस्काउंट की नेचर जो है वो एक्सपेंस है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे एक्सपेंस हुई। हमारे पास एंट्री है, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू अली ₹20,000। आपने बेटा तिजारती सामान अली के ऊपर बेचा, ठीक है? तो सेल्स को बेटा आप लोग क्रेडिट कर देंगे ₹20,000 से। सेल्स की नेचर इनकम है, इनकम जब बढ़ती तो क्या करते, क्रेडिट करते। तो बेटा हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। लेकिन अगर अपने नजरिए से सोचे तो बेटा, आप लोग सेल्स दे रहे हैं ना, तिजारती सामान दे रहे हैं, तो सेल्स को इसलिए क्रेडिट किया, यानी 20,000 का हमने तिजारती सामान दिया, देन में चला गया। अच्छा बेटा, अगर हमने इस बंदे से कैश लिया होता तो कैश को डेबिट कर लेते, चेक लिया होता तो बैंक को डेबिट कर लेते। ना तो कैश ले रहे हैं ना तो चेक ले रहे हैं, हमने इस बंदे को उधार पे तिजारती सामान बेचा अली को, ठीक है? अब बेटा हमने अली का खाता बनाना ही नहीं बनाना, यानी कि अकाउंट बनाएंगे ना उसका, हमने उसे अकाउंट रिसीव करना है, पेड करना है। अब बेटा हमने उसे अकाउंट रिसीव करना है क्योंकि खाते वाले पैसे लेने हैं। तो बेटा हम लोग अपने पास अकाउंट रिसीवेबल को ₹20,000 से डेबिट कर देंगे। देखिए बेटा, हम लोग ने तिजारती सामान बेचा, देन में चला गया, और ये खाते वाले पैसे हमने लेने हैं, तो बेटा इसलिए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में आ गया। और अगर अपने नजरिए सोचें तो अकाउंट रिसीवेबल की नेचर एसेट्स है, एसेट जब बढ़ते तो डेबिट करते हैं। लेकिन बेटा यहां पर हमें एसेट्स तो नहीं मिलेगा, हमें पता है हमें पैसे मिलने हैं, तो इसलिए बेटा हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट में रख दिया। क्लियर? नरेशन टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट लिख लेंगे। अब बेटा दूसरे एंट्री में क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अली ₹18,000 इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए बेटा, आप अली से कैश ले रहे हैं ₹18,000। अब बेटा अली आपके पास आया, अली आपसे कहता है कितने पैसे हुए, आप कहते हैं कि भाई आपके ₹20,000 बनते हैं। अली आपसे कहता है कि भाई मेरे साथ डिस्काउंट करें। अब बेटा करते कराते ऐसे होता है कि आप उसे कहते हैं ठीक है भाई आप मुझे ₹18,000 दे दें। उसने ₹18,000 का डिस्काउंट का कहा था, तो आपने कहा क्या कि मुझे ₹18,000 दे दें। आप बेटा उससे कैश कितना ले रहे हैं, कैश बेटा आप अली से ₹18,000 ले रहे हैं। ₹18,000 बेटा कैश को डेबिट कर देंगे, कैश ले रहे, लेन में आ गया। क्लियर? अच्छा बेटा, आपने अली को डिस्काउंट कितना दिया, ₹2,000 का डिस्काउंट दिया, यानी सेल्स में डिस्काउंट कर रहे हैं ना। अब बेटा ये जो 2,000 आपने अपने डुबो दिए, खर्च हो गए ना आपके, तो बेटा ये आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब पड़ते तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बेटा हम रूल्स के मुताबिक सेल्स डिस्काउंट को ₹2,000 से डेबिट कर देंगे। अब बेटा यहां पर ये तो समझने वाली बात है कि ₹18,000 हम लोग ले रहे, लेन में आ गया, लेकिन ये 2,000 ले तो नहीं रहे ना, ये लेन में कैसे आ गया? बच्चों को इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो बेटा देखें, एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो हम लोग डेबिट करते हैं। डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसका फायदा ले चुके होते हैं। लेकिन बेटा देखें, यहां पर हमने फायदा लिया तो नहीं है ना, यहां पर हमने फायदा लेना है। कैसे लेंगे? देखिए बेटा, अगर हम अली को डिस्काउंट ना देते तो वो नेक्स्ट टाइम फिर हमारे पास आता कभी भी नहीं, वो हजारों कस्टमर्स को रोकता कि भाई इस बंदे के पास ना जाएं, ये किसी के साथ डिस्काउंट नहीं करता। तो बेटा इस तरह हमारा लाखों करोड़ों का यानी कि नुकसान होता। तो बेटा हमने उस बंदे को डिस्काउंट दिया ₹2,000 का, यानी हमने ₹18,000 कैश ले लिया, और ₹2,000 का सेल डिस्काउंट का फायदा लेना है, लिया नहीं है, लेना है, इसलिए बेटा सेल डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। अच्छा बेटा, हम अली को यही कहेंगे ना, भाई आपकी सारी की सारी वसूली हो गई, सारा खाता क्लियर हो गया। तो बेटा अकाउंट रिसीवेबल को पहले डेबिट में इसलिए रखा था क्योंकि पैसे लेने थे, अब हमने पैसे ले लिए तो अकाउंट रिसीवेबल की अब डेबिट में जरूरत है नहीं, है ना? तो बेटा अकाउंट रिसीवेबल को आप लोग, अकाउंट रिसीवेबल अली को आप लोग बेटा ₹20,000 से क्रेडिट कर देंगे। अब बेटा क्लियर हुआ कि सेल डिस्काउंट को हम लोग डेबिट क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हमने उसका फायदा लेना होता है, लिया नहीं है, हम उसका फायदा लेंगे। फ्यूचर में हमारे पास कस्टमर्स आएंगे इसके थ्रू, अली और कस्टमर्स से जिक्र करेगा भाई इसी बंदे से तिजारती सामान खरीदें, तो इसके बदले में बहुत फायदा होगा, इसलिए बेटा हमने इसको डेबिट कर लिया। और बेटा अगर रूल्स के मुताबिक देखें तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर ₹36,000 इन फुल सेटलमेंट अकाउंट ऑफ ₹40,000। यानी कि बेटा आपने अपने कस्टमर से ₹36,000 लिए, ₹36,000। अब बेटा यहां पर आपने उसके ऊपर कुछ तिजारती सामान पहले कभी बेचा था, तो इसलिए अब आप लोग वसूली कर रहे हैं। अब ये कस्टमर आपके पास आया, आपके टोटल 40,000 बनते थे, 40 में से कितने वो आपको दे रहे हैं, ₹36,000, ₹36,000 दे रहा है। तो बेटा आप लोग कैश कितना ले रहे हो, कैश ₹36,000 वसूल कर रहे हैं।
कैश ले रहे, लेन में आ गया। अब आपने उसको डिस्काउंट कितना दिया है? 4000 का डिस्काउंट दिया है। तो मुझे बताएं आपकी सेल डिस्काउंट की नेचर क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब बढ़ते तो डेबिट करते, तो बड़ा हमने रूल्स के मुताबिक सेल डिस्काउंट को डेबिट कर दिया 4000 रुपये से, और कुल मिला के अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे टोटल 40000 रुपये से। टू रिकॉर्ड रिसीव कैश इन फुल सेटलमेंट, क्लियर बेटा? तो बेटा आज हमने परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट के बारे में समझा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको परचेज डिस्काउंट के बारे में समझाया, और इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को सेल डिस्काउंट के बारे में समझाया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।